नमस्कार, मैं हूं सुमेश झाका और आप देख रहे हैं VTS लाइव न्यूज। और संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा आज भारत बंद का आह्वान किया गया था। और अगर हम आज की बात करें तो आज आपको मैं दिखा दूं कि भारत बंद का असर जो है चरखी दादरी में किस प्रकार से है। आप यहां पर देख पाएंगे, हम चरखी दादरी के मेन बाज़ार में खड़े हैं और यहां पर आपको ज़्यादातर जो दुकानें हैं वो सभी जो हैं बंद नज़र आएंगी। हाँ, हालाँकि जो यहाँ पर दुकानदार जो हैं वो आपको दुकानों के ही बाहर आपको खड़े हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद आप यहाँ पर देखेंगे कि जितनी भी जो दुकानें यहाँ पर हैं सभी जो दुकानें हैं वो बंद हैं। किसी भी दुकानदार के द्वारा अपनी दुकान को नहीं खोला गया है। और लगातार इस मुहिम में अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चरखी दादरी के भीमराव अंबेडकर चौक पर ही यहाँ पर सभी लोगों के द्वारा, जितना यहाँ पर किसान भी हैं, खाप पंचायत के नुमाइंदे भी हैं और व्यापारी संगठन के प्रतिनिधि हैं, सभी के द्वारा यहाँ पर अपना जो धरना है वो यहाँ पर लगा दिया गया है। और लगातार ये जो धरना है, ये धरना इसीलिए लगाया गया है ताकि किसी भी तरह अगर यहाँ पर कोई भी दुकान अगर खुलती है तो उसको यहाँ पर बंद करवाया जा सके। आपको मैं ये भी बता दूं कि अभी कुछ देर पहले ही सभी के द्वारा पूरे बाज़ार का एक राउंड लिया गया है और राउंड लेने के बाद अब यहां पर आकर के ये सभी लोग बैठ चुके हैं। तो आप यहां पर देख सकते हैं, आपको एक बार फिर से मैं दिखा दूं कि यहां पर खाप नेता मौजूद हैं, व्यापारी संगठन मौजूद हैं, तमाम जो अलग अलग बाज़ार हैं उन सभी के जो व्यापारिक प्रतिनिधि हैं वो यहाँ पर बाकायदा मौजूद हैं। ज़रा आप लोगों की बात करवाते हैं कि क्या कुछ यहाँ पर अब किया जा रहा है। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करें, पूर्ण मार्केट के प्रधान यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। संदीप जी, क्या कुछ अब देखने को मिल रहा है, आज का भारत बंद कितना सफल मानेंगे? आज का भारत बंद किसान संयुक्त मोर्चा के तत्वावधान में पूरा चरखी दादरी 100% सक्सेसफुल है और पूरा व्यापारी भाई किसान आंदोलन के समर्थन में है और पूरा बाजार बंद है आज जी। तो कुछ देर पहले आप लोगों ने एक राउंड भी लगाया, राउंड लगाने के बाद क्या देखने को मिला? क्या सभी ने ही बंद कर रखी थी या किसी को आपको जाकर के बोलना भी पड़ा कि आप साथ दें हमारा? नहीं, सभी दुकानें बंद थी। लगभग एक आध कोई दुकानदार भाई खोल रखा था, वो हमने रिक्वेस्ट करी तो उसने हमारी रिक्वेस्ट मान ली और दुकान को बढ़ा दिया और बंद कर दी। हाँ, और पूर्णतः बंद है आज। ये एक चरखी दादरी के व्यापारी भाइयों ने एक दिखा दिया है कि हम किसान भाइयों के साथ है, पूर्णतः बंद करके समर्थन के हम दोनों की एक दूसरे की एक लड़ाई है जी। बिल्कुल, तो यहाँ पर देख लीजिए कि सभी एक साथ हैं और एक साथ ही रह करके यहाँ पर काम किया जा रहा है। और भी लोगों से ज़रा आपकी बात कराते हैं। अनाज मंडी एसोसिएशन, जो आढ़ती एसोसिएशन है, उनके प्रधान भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, ज़रा इनसे भी ज़रा बात करते हैं। राम कुमार जी, क्या कुछ देखने को मिल रहा है, कैसा आज के दिन आपको माहौल देखने को मिल रहा है? आज के दिन हमें जो आज से पहले जितने बंद हुए उससे सफल, सबसे सफल बंद आज का है। पहले चार बंद हो लिए, उससे सफल बंद आज। आज 99% दुकानें बंद हैं, आधा परसेंट दुकान को एक आधी खुली थी, वो हमारे रिक्वेस्ट पर सबने बंद कर दिए हैं। और शहर में कोई अफरा तफरी नहीं है, सब अपने घरों में है। वो बिल्कुल भारत बंद आज जैसा बंद मना अपनी 72 साल की उम्र में कभी नहीं देखे जी। तो अगर आज यहाँ की बात करें, अभी आप लोग यहाँ पर भी धरना लगा करके बैठे, कारण क्या है? इसके लिए हम इसलिए बैठे हैं कि भाई लोगों में ये रहे कि भाई किसान मोर्चा चौराहे पर बैठे हैं और आने जाने वालों को ये शिक्षा मिले कि भाई बिल्कुल किसान यूनियन वाले अपने दायित्व निभा रहे हैं जी। तो अभी जैसे आपने कहा कि कुछ लोग खोले हुए भी थे, उनसे क्या कुछ बातचीत की गई ताकि वो भी आप लोगों के साथ आए? हमने उनसे कोई बातचीत नहीं की। हम आदमी इकट्ठे होकर गए, उन अपने आप बंद कर ली एक आध दिन का। तो जी हमने थोड़ा मोटा उसको, चाचू की दुकान खुली थी वह भी सब बंद हो गई जी। बिल्कुल, तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि जो छोटी मोटी जो दुकानें जो खुली थी उनको भी यहाँ पर बंद कराने का कार्य किया गया है। कुछ लोग और भी हैं हमारे साथ में, यहाँ उनसे भी ज़रा बातचीत करते हुए चलते हैं कि क्या कुछ हो रहा है। रविंद्र जी, क्या कुछ आज किया जा रहा है और अब यहाँ पर भी धरने पर बैठे हैं, आगे तक का क्या कुछ इरादा है? किसान आंदोलन समिति के माध्यम से जो 27 तारीख आज का बंद था, दादरी नगर व्यापार मंडल व सभी सहयोगी संस्थाएं सब ने किसान आंदोलन का समर्थन किया है, सबका साथ दिया है जी। और जब भी इनका कोई आह्वान बाज़ार बंद लेकर हुई है, हम पूर्णतया व्यापारी समाज
किसान आंदोलन के साथ रहे हैं जी। तो आज कैसा क्या माहौल देखने को मिल रहा है, भारत बंद सफल बताएंगे या क्या बताएंगे? पूर्णतया बंद है भारत बंद, और हमारा दादरी का व्यापार, मेन बाजार, रेलवे रोड, पुराना बस स्टैंड, नई अनाज मंडी, नई सब्जी मंडी, सभी पूर्णतया बंद है और पूर्णतया ही बंद किसान आंदोलन के साथ है जी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी की सभी जो जगहें हैं उनको यहाँ पर बंद करवाया जा चुका है, बाजार पूरा बंद है। और हम भी अगर आपको दिखाएं तो दूसरी तरफ का भी एक बार आपको नज़ारा दिखा देता हूँ। तमाम जो दुकानें हैं वो तमाम दुकानें यहाँ पर बंद हैं। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि अभी तक भारत बंद का जो असर है वो बड़ा ही ज़बरदस्त है। चरखी दादरी पूर्ण रूप से यहाँ पर बंद होता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों से और भी ज़रा जानेंगे, क्योंकि अगर हम यहाँ पर, जैसे हमने आपको बताया था कि खाप पंचायत के जो लोग हैं वो भी यहाँ पर हैं, और उसके अलावा व्यापारिक संगठन भी हैं, पार्षद यहाँ पर हैं। तो सभी से ज़रा बात कराते हैं। यहाँ पर हमारे साथ फोगाट खाप के प्रधान भी हैं, सुबह भी हमने आपकी इनसे बात करवाई थी जब सुबह 6 बजे इनके द्वारा जो बंद की शुरुआत की गई थी। अब एक बार दोबारा से लगभग 10-10:30 बजे का समय हो चुका है, और इस दौरान भी अगर हम देखें तो भारत बंद का असर जो है वो बिल्कुल वैसा ही दिखाई दे रहा है जैसा सुबह 6 बजे शुरू हुआ था। प्रधान जी, क्या अब देखने को मिल रहा है, और लोगों से जो अब आप लोग बातचीत कर रहे हो तो वहाँ उनके बीच में कहीं असमंजस तो नहीं है कि खुलेगा या बंद होगा या कैसे होगा? देखो डाका साहब, सबसे पहले तो जैसे संयुक्त किसान मोर्चा का आज का बंद का आदेश आया था, और उनके आदेश के मुताबिक जैसे दादरी शहर को सुबह 6 बजे बिल्कुल करेक्ट दादरी शहर के सभी बाईपासों को बिल्कुल जाम कर दिया गया है, और हमारे सभी व्यापारी भाई, सब्जी मंडी वाले व्यापारी भाई, अनाज मंडी वाले, और सारे MC साहिबान नगर परिषद के और किसान संगठन, सभी 36 बिरादरी के भाइयों ने पूर्ण रूप से दादरी जिले को बंद रखने में अपनी विशेष भूमिका निभाई है जी। तो आज जैसे कि भाई सारा हम डोर टू डोर हमने सुबह से भी किया है, दो बार कर लिया, तकरीबन ज़्यादातर 98-99% कहूँगा मैं, कोई एक आधी दुकान कोई खुलती है तो उससे अनुरोध कर देते हैं, वो भाई तुरंत मानता है जी। तो तकरीबन पूरे दादरी जिले तकरीबन पूर्ण रूप से भारत बंद का असर है। ठीक है, अगर बात करें यहाँ पर, जैसे आप लोगों ने सुबह से सारे पूरे दादरी को बाहर से जितने भी चौक चौराहे थे वहाँ से बंद कर दिया था, तो वहाँ से अभी तक कोई छिटपुट घटना कोई सामने आई हो जब लोगों ने नहीं मानने की कोशिश हो, लोग ज़बरदस्ती निकलने की कोशिश कर रहे हों, कोई ऐसा हुआ है वाक्य? ना, ऐसा डाका साहब अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है, बिल्कुल शांतिप्रिय तरीके से। और एम्बुलेंस वगैरह आई थी, एक दो मतलब जो पेशेंट बीमार थे वो भी आए थे, उनको बकायदा इज्जत मान सम्मान से उनको निकलवाया भी गया है। और जैसे भी मोर्चा का आदेश भी है कि भाई जैसे फायर ब्रिगेड है और भाई एम्बुलेंस है, कोई बीमार व्यक्ति है, कोई एक्सीडेंट केस है तो उनको हम मतलब तुरंत रियायत देते हैं और उनको बड़े मान सम्मान के साथ उनको जाने दिया जाता है जी। बिल्कुल, तो मैं भी एक बार आप लोगों को दोबारा बता दूं कि सुबह हमने भी जब आपको दिखाया था सुबह 6 बजे, 6 बजते ही साथ रोडों को जाम कर दिया गया था, रोड जाम हो गए थे, साथ ही साथ रेल को भी रोक दिया गया था। और अगर हम आपको बताएं तो आज अगर शहर में जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं लगभग उनकी सभी की छुट्टियां यहां पर देखने को मिल रही हैं, और जितनी भी दुकानें हैं वो सभी की सभी बंद हैं। तो ये एक हम अब इस चीज़ को देख करके ये कह सकते हैं भारत बंद, अगर हम दादरी में असर देखें तो भारत बंद का बहुत ही ज़बरदस्त असर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और अब ये जो असर है ये कितनी देर रहेगा ये देखना होगा, क्योंकि सुबह 6 बजे से और शाम के 4 बजे तक भारत बंद को रखा जाना है। यहाँ पर हमारे साथ सब्जी मंडी एसोसिएशन से भी हैं नितिन जांगू जी, इनसे भी ज़रा जान लेते हैं कि सब्जी मंडी एसोसिएशन की तरफ से किस तरह का रुख अपनाया गया है। नितिन जी, किस तरह का रुख सब्जी मंडी एसोसिएशन के द्वारा अपनाया गया है? सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारा सब्जी मंडी अनाज मंडी उनका हमारा किसान का चोले दमन का साथ है, और इतिहास में ये जब भी बंद हुआ है कभी मंडियां बंद नहीं हुई। अब की बार पिछली बार बंद था, अब हरियाणा के अंदर भी लगभग सारी सब्जी मंडियां और अनाज मंडी बिल्कुल ही बंद है। खुद व्यापारी अपने खुश होकर बंद की है व्यापारियों ने, और साथ हमारे व्यापारी आज भी देखो बाजार के व्यापारी भी कितने खुश हैं, अपने खुद दिल से बंद कर रहे हैं। क्या फर्क महसूस करोगे अब जब भारत बंद शाम तक सफल रहेगा, तो उसके बाद जनता की जो आवाज़ है वो सरकार तक पहुँचेगी? बिल्कुल नहीं पूछेगी, तो हमें चीखे भी नहीं चलता रहो, हमेशा लड़ाई लड़ते रहे, एक दिन आवाज़ पूछा
हटा के छोड़ेंगे और तीनों जो कृषि काले कानून हैं इनको नष्ट नहीं होंगे जब तक हम लड़ाई लड़ते रहेंगे चाहे कितनी साल लग जाओ। जी बिल्कुल, तो लगातार जो कृषि कानूनों के विरोध में जो है ये संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा अलग अलग कार्यक्रम किए जाते रहे और आज उसी सिलसिले में ही भारत बंद का भी आयोजन किया गया है और लगातार कहा जा रहा है कि जब तक कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया जाएगा तब तक ये जो कार्यक्रम है इसी प्रकार से जारी रहेंगे। हमारे साथ फोगाट खाप के सेक्रेटरी भी यहाँ पर साथ में हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी ज़रा जानते हैं क्योंकि दो जगह इनकी भी ड्यूटियाँ लगी हुई हैं और अब यहाँ जो बाज़ार को बंद कराने के लिए भी यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। सुरेश जी, कैसा क्या माहौल देखने को मिला है? आप तो बिल्कुल बाहर के जो बॉर्डर है, अगर चरखी दादरी शहर की बात करें तो वहाँ पर थे लोगों का आना जाना, फिर भी वहाँ पर बना हुआ था, किस प्रकार से लोगों को रोका गया? देखिए डॉक्टर साहब, जैसा कि संयुक्त किसान मोर्चा का आदेश था, सुबह 6 बजे हमने ठीक चारों चौराहों पर जाम कर दिया था। चारों पॉइंटों का आपका पता, ये लोहारू चौक, रावड़ी बाईपास, समसपुर बाईपास और चिड़िया रोड पे बिल्कुल 6 बजे हमने प्रॉपर तरीके से जाम कर दिया था। एमरजेंसी को छोड़ करके जैसे एम्बुलेंस वगैरह है, फायर ब्रिगेड है या जो सीरियस पेशेंट वगैरह हैं, कुछ बच्चे एग्जाम के लिए भी गए हैं, उनको भी हमने बिल्कुल इज्जत से उनको निकाला है। किसी प्रकार की कोई भी घटना नहीं हुई, सभी से हाथ जोड़ करके हमने जो शांतिपूर्ण तरीके से उनको मनाया। और सबसे बड़ी बात डाका साहब एक बताता हूँ कि जैसा कि संयुक्त किसान मोर्चा का आदेश था कि भाई जनता को 2-4 दिन पहले ही अवगत करा दिया जाए ताकि उनको जाम वाले दिन परेशानी ना हो, तो हमारी फोगाट खाप के प्रधान और हमारे पदाधिकारियों ने 24 तारीख को इसी सिलसिले में जो है एक महापंचायत रखी थी पूरे दादरी जिले की, और उसमें हमारे प्रधान, हमारे सेक्रेटरी, हमारे उप प्रधान वगैरह जो भी हैं उनके द्वारा सभी व्यापारी भाइयों को, सभी किसान संगठनों को और सभी दुकानदारों को, ये सभी स्कूल एसोसिएशन हैं या जो क्रेशर एसोसिएशन है, सबसे रिक्वेस्ट कर करके और 27 तारीख के लिए बंद का आह्वान किया था और उन्होंने 100% बात हमारी माननी और आज उन्होंने पूर्णतः 100% हमारा साथ दिया। बाजार आप देख रहे हो बिल्कुल एकदम बंद है और सभी शांतिपूर्वक तरीके से चल रहा है। ठीक है, इस दौरान में अब चलिए बाजार बंद है, रोड बंद हो गए हैं, सार्वजनिक यातायात बंद है, लेकिन उसके अलावा अगर मैं बात करूं जो सरकारी दफ्तर जो थे क्या वो बंद हो पाए हैं? सरकारी दफ्तर हमने तो अभी तक कोई खुला देखा नहीं है, अगर कोई होगा तो उन्होंने बाहर से गेट बंद करके अंदर बैठे हैं तो हमें पता नहीं, लेकिन कोई किसी प्रकार की आवाजाही नहीं है। और ये तो आप देख रहे हो कि बार एसोसिएशन ने अपना जो है वर्क सस्पेंड किया हुआ है और सभी दफ्तर भी लगभग बंद ही हैं। जी बिल्कुल, तो यहाँ पर बड़ी चीज़ ये है कि अब जो भारत बंद है चरखी दादरी में सफल होता हुआ बड़े अच्छे प्रकार से दिख रहा है और जाहिर सी बात है कि लगातार जो है संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा ये आह्वान किया गया था कि लगातार जो इस तरह का जो बंद है वो पूरे दिन चलाया जाए और उसी के तहत ही अकबर मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ कि जितनी भी जो दुकानें हैं वो यहाँ पर बंद हैं। बाकायदा अगर बाज़ार बंद है तो बाज़ार में ना ही कोई चहल पहल है ना कुछ और है, ठीक, और गाँव से भी लोगों का जो आना जाना है यहाँ पर अब बंद है, तो जहाँ तक दिखाई दे रहा है वहाँ पर भारत बंद सफल होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि जो किसान नेता हैं वो चरखी दादरी के डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर चौक के ऊपर यहाँ पर बैठे हुए हैं और उनके द्वारा यहाँ पर लगातार कोशिशें की जा रही हैं कि किसी प्रकार से भी जो भारत बंद को लगातार सफल बनाए रखा जाए, तो यहाँ पर ये सभी बैठे हुए हैं और अब देखना है कि जैसे सुबह 6 बजे शुरू हुआ था और शाम के 4 बजे तक भारत बंद को रखा जाना है, तो इस दौरान में क्या कुछ रहेगा वो पूरे दिन देखने वाली चीज़ रहेगी कि क्या समय के साथ दुकानें खुलेंगी, जो यातायात है वापस से सुचारू हो पाएगा या फिर 4 बजे के बाद ही ये सारी चीज़ें खुल पाएंगी, देखना होगा। लगातार हम आप तक जो सूचनाएं हैं वो पहुंचाते रहेंगे, आप हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा, देखते रहिएगा VTS लाइव न्यूज़ को। अभी के लिए बस इतना ही रख रहे हैं, आने वाले समय में जल्दी आपसे मुलाकात करेंगे कुछ और नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तो तब तक के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाज़त। मैं सोमेश ढाका, VTS लाइव न्यूज़ के लिए।